हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखा। आज मैं आपके सामने बना रही हूँ सेवई खीर। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आ गई हूँ मैं अपने किचन में। मैंने रख लिया ये एक पेन और इसमें डाल लिया मैंने घी। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक सेवई। सेवई ये जो है ये बहुत ही इजी खीर है, बहुत जल्दी से बन जाती है सेवई। ये मेरा पेन हो चुका है गरम घी, अब मैं इसमें डाल दूँगी सेवई। सेवई आप आपके अकॉर्डिंग लीजिएगा, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग। ये मैंने यहाँ पर सेवई डाल दिया है, अब मैं इसे चलाऊँगी अच्छे से। आपको अच्छे से इसे सोटे करने हैं। ये देखिए, ये इस सेवई की खीर को मैं आज इसलिए बना रही हूँ, आज वैसे नागपंचमी है और ये हम चावल की खीर नाग देवता को नहीं चढ़ाते हैं, इसीलिए आज मैं सेवई की खीर नाग देवता को चढ़ा रही हूँ। ये मैं गैस की फ्लेम को बहुत ही लो कर दूँगी। ये रहा मेरा, अब यहाँ देखिए मेरी सेवई थोड़ी थोड़ी सी हो रही है, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मेरे हिला। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये देखिए ये है मेरी हरी इलायची जिसे मैंने कूट लिया है। आप इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ देखिए ये मैंने काजू को और बादाम को दो टुकड़ों में काट के रखा है, ये मैंने यहाँ डाल दिया है जिससे कि ये भी अच्छे से ये भी रोस्ट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, ये हो रहा है मेरा। ये देखिए सेवई को जलना नहीं चाहिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी सेवई हो गई है। अब मैं लेने वाली हूँ ये दूध। ये दूध मैंने लिया है आधा केजी, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये मैंने दूध ले लिया है, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब यहाँ पर मेरा मेन है शुगर है शक्कर, आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे मेरे घर में शुगर कम लेते हैं तो मैं बहुत कम लूँगी। ये मेरा शुगर हो गया, अब मैं इसे अच्छे से थोड़ा से पकने दूँगी। ये आपका हो जाएगा, ये बहुत जल्दी हो जाता है ये। और आपको लग रहा है कि दूध कम है तो आप और दूध, पूरा आधा केजी दूध मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरी खीर हो रही है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी खीर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दूँगी और ये देखिए ये मेरी खीर बन गई है। देखिए कितनी सुंदर टेस्टी खीर लग रही है। अब मैं इसे एक बर्तन पर निकाल लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी केसर वाला दूध। ये 4-5 केसर थे मैंने जिसे दूध में भिगा के रखा था। अब मैं इसे गार्निश कर दूँगी इस अपने खीर के ऊपर। ये मैंने केसर वाला दूध ले लिया है।